अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, मैं सीना ट्रेडर्स बनारस से आज आपके लिए एक नया वीडियो बना रहा हूं कैस्ट्रॉल की बैकलोज़र मशीन के ऊपर। इससे पहले फ्रेंड हमने कैस्ट्रॉल की बोरा बनाने वाली मशीन के ऊपर वीडियो बनाया हुआ था, जिसमें बोरा को बनाया जाता है, बोरा को सिला जाता है। तो वो जो मशीन होती थी वो टेबल पर कस के फिर सिलाई मशीन में जैसे कपड़े डालते हैं हम लोग चलाते हैं, वैसे ही उसके अंदर बोरे सिला जाते थे। पर ये जो मशीन है ये बैक क्लोज़र मशीन है। आप ऊपर देख रहे होंगे ऐसे हैंडल लगी हुई है, तो यहाँ बटन होता है यहाँ पे, तो ये हाथ में ले करके बोरा सिलने वाली काम में आती है फ्रेंड्स। पहले हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, कार्टून खोल के दिखाते हैं आपको मशीन। हम कैस्ट्रॉल की बैग मेकिंग मशीन, या उसको बोलचाल में लोग डेका मशीन, कैलेंडर मशीन भी बोल देते हैं, क्योंकि उसमें लोग प्रोसेसिंग करते वक्त साड़ी को जोड़ने के काम में लेते हैं और उसके बाद साड़ी को खोल देते हैं। तो सेम यही मशीन होती है, पर वो किसी भी टेबल पे कसा जाती है और टेबल पे कसा के सिलाई मशीन में जैसे कपड़े हम लोग डालते हैं और सिलते हैं, वैसे ही उसमें सिलाते हैं। और ये जो मशीन होती है फ्रेंड्स, ये भरा हुआ बोरा 40 kg 20 kg के जो आटे ओटे की बोरी या सीमेंट की बोरी आप देखते हैं, तो वो भरी हुई बोरी का ऊपर से मुंह बंद करने के लिए ये मशीन होती है। जब मशीन खुलती है तो उसमें एक बैक क्लोज़र मशीन के साथ आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दे देता है। आमतौर पे कोई देखता होता है नहीं इसको, लेकिन काम की चीज़ होती है, इसलिए इसको बचा के रखें। ख़ास तौर पे इसमें कई पार्ट्स का नंबर जो दिया होता है, जो पार्ट्स ख़राब होते हैं तो उसके नंबर होते हैं, इसलिए इसको आप संभाल के रखें। बाकी धागा वगैरह डालने का तरीका, कुछ बेसिक सी चीज़ें उसमें दी होती हैं। ये आपके फ्रेंड्स पूरी थर्मोकोल पैकिंग में आती है मशीनें, लगभग 7 kg का वज़न रहता है मशीन का, तो इतनी अच्छी पैकिंग में आती है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है। आप मशीन अगर इसको हमसे या कहीं से भी दूर से मंगाते हैं, ऑनलाइन माध्यम से मंगाते हैं, तो इसमें कंपनी की कोई वारंटी नहीं होती है, जो मशीन बेचता है वही वारंटी देता है। तो ऐसे केस में आपको कोई मशीन में प्रॉब्लम आती है तो आप उसको अपने क्षेत्र में बनवा सकते हैं, आपको अपने ही क्षेत्र में बनवाना पड़ेगा। ज़रा इसको भी दिखा दीजिए, देखिए इसके साथ आपका एक तेल कुप्पी आ जाएगा और ये एक बड़ा पेचकस दे देते हैं, अच्छी क्वालिटी का होता है, और साथ में आपको ये पूरा एल्की का सेट होता है। ये ज़रा एल्की निकालें तो बोलिए, और इसमें निडल दो रहेगी, एक लूपर रहेगा, एक ऐसी रिंच रहेगी जिससे आप जो है निडल वगैरह बदल सकते हैं। और ये देखिए चार तरह की इसमें एल्की दिया हुआ, इसी से सब पार्ट्स इसमें जो है इसी से खुलते हैं ज़्यादातर। ये कैस्ट्रॉल की मशीन होती है, सिंड मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ लुधियाना की कंपनी है जो इस मशीन को मैन्युफैक्चर करती है। उनके कई ब्रांड आते हैं, कैस्ट्रॉल आता है उनका, और IPL आता है उनका, रैम्बो आता है उनका, कैपिटल नाम से मशीनें बनाते हैं वो, और हम लोग भी अपनी सीना की मशीन उन्हीं से बनवाते हैं, तो बड़ी शानदार क्वालिटी की मशीन बनाते हैं थिंड मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ वाले। हर पार्ट्स हाई टेम्पर्ड और फिटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी देते हैं। ये होती है फ्रेंड्स, ये इसी तरह हैंडल इसमें होती है, इसका वायर निकालें, वायर भी इसमें लंबा होता है, जरा देखें कितना लंबा है, बोलो नाप के, ढाई मीटर, लगभग 2.5 meter का वायर रहता है इसके अंदर, और इससे ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर आप कोई एक्सटेंशन का यूज़ करें। ये आपका जैसे मैं बताया यहाँ पे ये बटन होगा, जब इस बटन को आप दबाएंगे तो मशीन भागेगी, छोड़ देंगे मशीन रुक जाएगी। सब दांते वाली बेल्ट होगी इसमें, दांते वाली ये जो चलाने वाला चक्का है इसका दांतेदार बेल्ट होगा आपका, और मोटर की जो पुली होगी ये भी दांतेदार होती है, तो इससे इसकी थोड़ी लाइफ बढ़ जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि पुरानी बेल्ट ढीली होती है तो स्लिप करती है, ये जब तक लगी रहेगी चलती रहेगी, टूट जाएगी तो बदलवाना पड़ेगा।
तमाम तरह का इनका जो लाइसेंस इनके पास है, जो सर्टिफिकेट है, वो इस पे आप देख रहे होंगे, पड़ा होगा। ये सिंगल निडल की बैक क्लोज़र है फ्रेंड्स, इसमें एक सुई चलता है और एक धागा चलता है। इसमें और भी तरह की मशीनें आती हैं, डबल निडल की भी बैक क्लोज़र आती है जिसमें दो सुई लगी होती है, एक साथ दो सिलाई करती है, जिसको DAD मॉडल बोलते हैं। और इसमें एक मशीन आती है जिसमें एक ही सुई होगी और एक धागा अंदर लूपर से आता है, ऊपर से दो धागा आएगा, वो धागे खुलेंगे नहीं, इसके धागे खुल जाते हैं, वो रिवो वाले बनाते हैं। रिवो की मशीन आती है NP32 मॉडल, उसका भी वीडियो है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। उसके टाके खुलते नहीं, इसके टाके खुल जाएंगे जब आप इसको सिल देंगे, सिलने के बाद खोलना चाहेंगे आसानी से इसके टाके खुल जाते हैं। जहाँ पर आप एंडिंग करेंगे, जहाँ पर आपका टाका ख़त्म होगा, वहीं से खुलता है टाका। ठीक है, मशीन ज़रा चला के दिखा दिया जाए, अब आपको हम इसको चला के दिखा देते हैं। चलाते हैं तो जब तक इंडिकेटर यहाँ का सही है लाइट बताएगा, उसका बल्ब जल जाएगा तो भले ना बताए, नया मशीन में तो आपको बताएगा। धागा डालने का तरीका पे भी हम लोग बता चुके हैं वीडियो, आप देख सकते हैं। धागा डालना, कटर बदलना, ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें इसमें हैं हम लोग बना चुके हैं वीडियो। ये पीछे ब्लेड होता है, एक बार और काट के दिखाएं, थोड़ा सा बोलू है, थोड़ा चैन बना, हाँ लाइए पहले टाका दिखा दें कौन सा है। देखिए ये एक तरफ का देखेंगे, एकदम ऐसे टाका रहेगा, और जो नीचे का हिस्सा रहेगा ये ऊपर का टाका रहेगा, और जो नीचे लूपर आपका चैन स्टिच बनाता है, ये सब मशीनें चैन स्टिच होती हैं। देखिए नीचे चैन बना रहेगा ऐसे, क्योंकि इसमें लूपर होता है, ऐसे ऐसे लच्छी बनाता है। नीचे सिलाई मशीन जैसा बॉबिंग केस का सिस्टम नहीं होता है कि जैसे टाके ऊपर आके नज़र आएंगे वैसे ही टाके नीचे नज़र आएंगे, इसके ऊपर के टाके अलग दिखेंगे और नीचे के चैन बनते हुए टाके नज़र आएंगे। बस ये लगा के वहाँ पे थोड़ा सा आपको दबाना होगा, ये दबा के ऐसे खींच देंगे और मशीन चलाते हुए तो वो कट जाते हैं जी। ये धागे एकदम बैठे हुए आएंगे, अगर ये थोड़े से ढीले ढीले आएंगे, फूले फूले हल्का सा, तो यहाँ से टेंशन को थोड़ा सा टाइट कर दिया जाता है। और मशीन के अंदर आपको ऑयलिंग का बहुत ख्याल रखना है। पहले मैं आपको लूपर इसका दिखा देता हूँ, ज़रा इसका लूपर दिखा देंगे, मशीन को ऊपर उठा लिया जी, आप देखिए सस्पेंस, यही लूपर, तो थोड़ा सा मशीन चलाएं तो बोलिए पीछे, हाँ देखिए ये लूपर जो आप देख रहे हैं ना फ्रेंड, यही ऐसे धागे को फंसाता है और चैन बनाता रहता है। वो ऊपर से सुई धागा नीचे लेके आएगी और नीचे से ये चैन बनाता है, यही इसका मैकेनिज़्म है, आसान सा मैकेनिज़्म है। अगर आपके एरिया में मशीनें ये बनाने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह जितनी भी पैकिंग इंडस्ट्री है वहाँ पर बैकलोज़र मशीनों की ज़रूरत होती है, और बगैर बैकलोज़र के काम ही नहीं चलेगा। चाहे 10 किलो की बोरी हो, चाहे 50 किलो की बोरी हो, सिलानी इसी से है, चाहे सिंगल निडल हो चाहे डबल निडल। ठीक है, इसको ज़रा सीधा कर दीजिए। मैं हाँ फ्रेंड्स, एक मिनट, आपको बहुत ध्यान देने वाली बात ये रखनी है फ्रेंड्स कि मशीन अगर आप ये ख़रीदते हैं और चला रहे हैं तो कम से कम डेली, अगर आपकी मशीनें 10 घंटा चल रही हैं तो कम से कम आप 4 घंटे 5 घंटे पे एक एक बूंद ऑयल डाल दें। और अगर 2-4 घंटा ही मशीनें चलती हैं डेली, तो मशीन यूज़ करने से पहले हर पॉइंट पर जितने लोहे लोहे सब रगड़ रहे हैं, जैसे चलाइए मशीन, देखिए ये आप जहाँ जहाँ देखिए लोहे रगड़ रहे हैं, बस रोक लीजिए, अंदर दोनों जगह देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ये सब पार्ट्स पे, ऊपर सलाई यहाँ पे, मशीन के अंदर सीधी, एक मिनट जाए, यहाँ पे आपका पूरा चीज़ है, ये सब जगह आपको तेल डालना है जी हाँ। यहाँ पे खोल के डाल दें, यहाँ पे बूंद, एक बूंद तेल डाल दीजिए, इसके पीछे से एक बूंद यहाँ से तेल डाल दीजिए, जहाँ से भी आपके जा सके, जहाँ आपको लगे कि यहाँ लोहे रगड़ रहे हैं यहाँ पर एक बूंद डाल दें, जहाँ लोहे लोहे एक दूसरे में टच कर रहे हैं चलते हुए, वहाँ आपको तेल एक एक बूंद डाल देना है बस, तो उसमें मशीन की लाइफ हो जाती है फ्रेंड्स, नहीं तो मशीनों के सामान बहुत जल्दी कटेंगे आपका। बाकी धागा डालना इसमें बहुत आसान होता है, यहाँ से धागा आपको उठाना है, इसमें डालना है, इस पॉइंट में लाना है, यहाँ लगा के इसके बीच में, यहाँ लोग गलती करते हैं कि धागा बस ये ऊपर से ऐसे घुमा देते हैं, घुमाना नहीं है, इसमें पूरा ऐसे दबा देना है, और दबा के यहाँ ला के, इसमें भी गलती करते हैं कि लोग इस सलाई के छेद में ना डाल के सीधे ऊपर से यहाँ से धागा डाल के सुई में डाल देते हैं, तो भी मशीन नहीं चलेगी, इस सलाई के यहाँ छेद में धागा
होता है, ये ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर मान लीजिए थोड़ा चक्का घुमा दे, अगर मान लीजिए ये नीचे भी है अगर आपका, हाँ तो इसको आप हाथ से ऊपर कर लीजिए ताकि धागा चले, बस। तो ठीक है फ्रेंड्स, छोटी सी एक जानकारी थी, ये मशीन के ऊपर वीडियो भी नहीं बना हुआ था, तो दोनों काम हो गया इस वीडियो से। उम्मीद करते हैं, मशीन जरा सीधी कर दे, उम्मीद करते हैं कि ये बैकलोजर मशीन का वीडियो आपके काम आया हो, कैस्ट्रॉल बैकलोजर का। शुक्रिया।